हेलो गाइस, वेलकम टू एहसान वर्क। गाइस, आज अपने पास महिंद्रा की बोलेरो आई, जिसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी चलते चलते जो उसका एक्सीलेटर है वो छोड़ देती है, जिसके कारण गाड़ी झटके मारती है, इसका रेस है वो नहीं मानती है। गाइस, इसके अंदर मतलब कई प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि एक्सीलेटर पैनल का प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सीलेटर पैनल की वायरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ईसीएम वायरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब हर बार जो अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो उसी प्रकार से अलग अलग इसके जो कोड आते हैं। जो आपकी बार कोड आया है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या कोड है। इस गाड़ी के अंदर जो एक्सीलेटर है वो नहीं मान रही, कब चल थोड़ी मतलब थोड़ी दूर चल देने के बाद जो एक्सीलेटर है वो छोड़ती जा रही है। तो सबसे पहले आपको कोड चेक करूँगा मैं कि क्या इसके अंदर कोड आ रहा है, और दिखाता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अपने को बोलेरो में जाना है, SLX में जाना है, सिस्टम सेलर में जाना है अपने को, इंजन कंट्रोल, ओके, रीड फोल्ड कोड। तो गाइस देखिए, रीड फोल्ड कोड ये कोड आ रहा है इसका, और इस कोड आने पे जो ये कोड आ रहा है इसके आने के बाद जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस गाड़ी को ऑलरेडी पहले चेक कर लिया है, तो मुझे मालूम है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बावजूद आपको एक्सीलेटर पैनल की लाइव डाटा भी चेक कर लेनी है कुछ इस प्रकार से। देखिए, जैसे हम एक्सीलेटर पैनल दबाएंगे तो उसी प्रकार जो इसकी जो संख्या है वो आगे बढ़ती जाएगी, 100 तक पहुँचेगी, यानी कि अपना जो एक्सीलेटर पैनल है वो ओके है, कम्प्लीट है, यानी कि जो एक्सीलेटर पैनल है उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, और नहीं इसकी गाड़ी एक्सीलेटर पैनल की वायरिंग में कोई गड़बड़ी है। तो आखिरकार गड़बड़ी कहाँ है? यहाँ है गड़बड़ी गाइस, यहाँ है जो एक्सीलेटर जो ब्रेक पैनल लगा हुआ है उसके ऊपर ब्रेक स्विच लगी हुई है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ ये स्विच है। तो आपको मतलब इसके अंदर भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको चेक करने के लिए आपके ऊपर जो सॉकेट है वो निकाल देना है, उसके बाद आपको गाड़ी को चलाना है। निकालने के बाद जो प्रॉब्लम नहीं कर रही है इसका मतलब प्रॉब्लम इसके अंदर है। हालांकि प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर भी प्रॉब्लम इसी की है। सो मैंने इसको पिन निकाल लिया, गाड़ी चलाई, ओके बता रही है, तो सोचा कि वीडियो बना के आपको भी दिखा दूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो इसका सेटिंग बोल्ट है आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये पूरा नहीं दबता है, खड्डा पड़ गया है उसके कारण जो ये पूरा नहीं दबता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक पाना लाना पड़ेगा, एक मिनट मैं इसके लिए पाना मंगवाता हूँ। ये जो बोल्ट दिख रहा है आपको, इसको खोलना है और पूरा सेटिंग जो इसका है ऊपर चढ़ा देना है, करके दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। सो गाइस, ये अपने पास 14 नंबर का पाना आ चुका है। सो सबसे पहले हम इसका बोल्ट खोलते हैं, थोड़ा लूज करते हैं बोल्ट, नो सॉरी गाइस, चाकी बोलते हैं इसको गाइस। इस प्रकार से उसको जो आपको ये खोल देना है, नट बोल्ट, नट चाकी जो भी है उसको पूरा पूरा ऊपर चढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से गाइस। अभी तक पूरा चढ़ा नहीं है, मैं आपको पूरा चढ़ा देता हूँ इसको। इसके होने के बाद इसको पूरा का पूरा ओपन कर देना है, खोल देना है, मतलब टाइट कर देना है इसको, ठीक है गाइस। जिसके कारण क्या होगा कि इसकी जो स्विच लगी हुई जो ठेसी आती है वो पूरी पूरी दब जाएगी, जिसके कारण मतलब कि ईसीएम को मैसेज मिलेगा कि इसकी जो ब्रेक है वो दबा हुआ नहीं है, नहीं दबा हुआ है, लगा हुआ नहीं है। ये इसलिए आता है ताकि ईसीएम को मैसेज मिले जी। उसके बाद आपको ये स्विच वापस लगा देनी है, और आपको अब दूसरा प्रोसेस है वो करना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी कर लेना गाइस, वरना जो काम वो सक्सेसफुली अपना जो है काम नहीं होगा, उसके बावजूद जो एक्सेलेटर है वो छोड़ेगा। तो दूसरा प्रॉब्लम अपने पास ये है कि इसके अंदर में जाना है अपने को वापस, और इसके अंदर जाने के बाद थोड़ा सा बाहर आना है, जूम आउट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, ओके। अब अपने को यहाँ से क्लियर फोल्ड कट करना है, जो आगे फोल्ड है वो डिलीट कर देना है, जिसके कारण जो गाड़ी आपके अब पूरी तरह से ओके है, यानी कि ये गाड़ी अब आप जो एक्सेलेटर नहीं छोड़ेगी। ओके गाइस, थैंक यू।